हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक नालको इंडिया नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो नालको की बात करें तो इसका मार्केट कैप देखा 30,451 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करते 166 रुपये करंट प्राइस है। हाई लगाया 169 का, लो लगाया 75.7 का। तो कंपनी अच्छी खासी है, इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। बैलेंस शीट की एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की एनालिसिस करेंगे, वो भी आपके सामने, और आप डिसाइड करेंगे इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात इसकी अच्छी खासियत बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तकरीबन सब कर्जा समाप्त कर चुका है। और बात करें डिविडेंड की, तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट 47.8% का, तो अच्छी बात है। किसी भी कंपनी के लिए डेट फ्री होना, पे आउट अच्छा करना कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। कंपटीटर की बात करते हिंडाल्को है, अच्छी खासी कंपनी इसके कंपटीटर में है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एनुअली रिजल्ट की, क्योंकि जब एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म विजन से एनालिसिस करते हैं तो एनुअली रिजल्ट के हिसाब से हम इस पर एनालिसिस करेंगे। तो एनुअली रिजल्ट की बात करें तो 2012 से बात करते हैं, तो 2012 में देखा जाए तो 850 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2013 में 593 करोड़ का, 642 हुआ, फिर 2015 में 1322 करोड़ का। तो बीच में एक बार सर 2020 में सबसे ज्यादा कोविड 19 ये आया था, 138 करोड़ का बस कारोबार हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो देखा उसके बाद फिर डे बाय डे अपना ग्रो करा। 2023 में देखा है 1544 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, अभी तक देखा है 2023-24 में 1566 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट जनरेट करी है, हर चीज जनरेट करी है। तो आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट क्या कहता है। बैलेंस शीट पे बात करें 2012 से बैलेंस शीट की भी बात करेंगे तो 1289 करोड़ का मार्केट इक्विटी एंड कैपिटल था 2012 में, जो घट के 918 करोड़ का बचा है। ओके, तो अभी इक्विटी कैपिटल में देखा जाए तो गिरावट आई है, 1289 से 918 करोड़ में पहुंचा तो गिरावट आई है। बट रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 10,426 से बढ़कर 12,690 करोड़ का हुआ है, तो इसमें मेंटेन कर सकता है। बट देखा जाए तो इक्विटी एंड कैपिटल में थोड़ी गिरावट आई है, बट रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, अच्छा है। रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर रहा है तो अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अगर यहीं पे इसमें मार्केट का भी टोटल एसेट की टोटल एसेट में देखा जाए तो 15,521 करोड़ का टोटल एसेट था 2012 में, जो बढ़कर 18,399 करोड़ का एसेट बन चुका है। तो अच्छा खासा एसेट है। फिक्स एसेट की बात करें 6,612 करोड़ का जो फिक्स एसेट था, वो बढ़कर 8,057 करोड़ का एसेट फिक्स एसेट बढ़ चुका है। तो देखा जाए तो हर चीज जिसमें पॉजिटिव दिख रहा है, लॉन्ग टर्म विजन से पॉजिटिव दिख रहा है। तो आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो इसका प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 51.28% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, एफआईआई की हिस्सेदारी 11.56% एफआईआई की, डीआई की बात करें तो 18.86% डीआई की हिस्सेदारी है। तो टोटल देखा जाए तो ये तीन की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है इस शेयर में, बस 19% हिस्सेदारी इसमें बस पब्लिक की हिस्सेदारी, बाकी हिस्सेदारी प्रमोटर, एफआईआई, डीआई। इस शेयर की सबसे अच्छी बात खासियत यही है, इसमें इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरह देखा जाए तो पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिव दिख रहा है। तो चलते चार्ट पर, चार्ट क्या कहता है उसके पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चार्ट पर देखें तो चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये अपने ट्रेंड लाइन जो ड्रा करते हैं, देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा, हमेशा अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट दे रहा, जब भी आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। बट ये जो 169 का लेवल है, ये वाला लेवल, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है तभी आप इसमें एंट्री बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो बाय किया होगा तकरीबन इस पॉइंट से कोई बाय किया होगा तो यहाँ पर जाने के बाद एक बार प्रॉफिट भी करेगा तो फास्ट ब्रेकआउट हो सकता है, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन के करीब में। अगर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे सस्टेन करता है एक दो दिन, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिएगा। और इस कैंडल का जो ये वाला लाइन है, इसका लो आप कराएगा स्टॉप लॉस, और इसके ऊपर जाता है तो आपका टारगेट 199 करीब में होना चाहिए, तो टारगेट इसमें अच्छा खासा मिल सकता है। बट देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जाए 169-170 के ऊपर जाने के बाद डेली कैंडल बेसिस पे ये क्लोजिंग देता है, दो चार दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद इसमें एंट्री बनाइएगा। अदरवाइज यहाँ पे जाने के बाद आप एंट्री बना लिए, फिर यहाँ पे जो बाइक किया यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर ये आएगा स्टैंड लाइन पे, फिर यहाँ से ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। तो इस पर नजर बना के रखिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो मिलता है अगला वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।